हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.23। इसमें कह रहा है इन ए रिएक्शन ए प्लस बी टू इक्वल टू ए बी टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है तो दोस्तों, इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्या लिखना, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है ना। और इसमें आपको ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी टू क्या बना रहा है, ए बी टू बना रहा है ना। आपको कोई माथापच्ची नहीं करनी, ठीक है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले तो इसको क्या करो कि जो एनसीईआरटी है ना, उसमें मिसप्रिंट दे रखा, बी की जगह बी टू कर लो, या हर जगह बी की जगह बी टू कर लो। उसका कारण भी बताता हूं ये क्या है। देखो, जो इस एनसीईआरटी में आंसर दे रखा ना, वो इसको बी टू अगर कंसिडर करोगे तभी आ पाएगा समय, क्लियर। दूसरा देखो, इसका कारण ये भी है कि एक बात बताओ, यहां पे लिखा हुआ है 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। बी कहां से होगा, बी टू होगा ना मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपको कहूं कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये मान लो मैं कहूं आपको 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ओ, तो ये सही होगा, या ऐसे बोलो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू, क्या बोलोगे बताओ। 100 अगर मॉलिक्यूल बोल रहे हो तो ओ टू बोलोगे ना, 100 मॉलिक्यूल ऑफ ओ टू, या ऐसे बोल दोगे 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ओ। ओ तो एटम है, मॉलिक्यूल थोड़ी है। तो इसमें क्या आएगा, हर जगह इसमें सब में बी टू आएगा, क्लियर हो गया पहली बात है ना। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो एक एटम दोस्तों, एक एटम एक मॉलिक्यूल बी टू के साथ मिलकर क्या बना रहा है, ए बी टू बना रहा है। एक एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ बी टू मॉलिक्यूल है ना, उसके साथ मिलकर क्या बना रहा है, ए बी टू बना रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 300 एटम क्या है, 300 एटम, तो कितने बी टू रिक्वायर्ड होंगे। अगर एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, तो 300 एटम के लिए 300 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे ना, है ना। तो देखो यहां 300 एटम ऑफ ए गिवन है, क्या गिवन है, 300 एटम तो गिवन है ना एटम, तो कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, 300 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे ना इसके, है ना। यहां पे 200 ही है, यहां पे 200 ही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, 300 है, 300 रिक्वायर्ड है, 200 ही है, तो कितना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, बी हो गया, क्लियर है ना। यहां से नहीं समझ में आया तो एक काम करो, इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा आपको, इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा कोई सा भी। देखो अगर एक एटम के साथ में वन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, तो 200 मॉलिक्यूल के लिए, 200 मॉलिक्यूल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने एटम रिक्वायर्ड होंगे, 200 एटम रिक्वायर्ड होंगे ना, है ना। और यहां पे है कितने, 300, मतलब ये एक्सेज में है ना 100, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, बी हुआ ना। अरे अगर 100 एक्स्ट्रा है, तो ये अगर 100 होते और, तो रिएक्शन और भी कुछ होती, समझ में। तो यहां पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट बी। मेरी बात समझ में आ गई, पहले में क्लियर हो गया, बी टू है मॉलिक्यूल, ध्यान रखना, ठीक है। 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी टू, ठीक है। एटम से मैं करो तो कोई कंसिडर वो कर ले, देखो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10^23, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 6.022 × 10^23 एटम्स के लिए कितने इसके मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आप कहोगे सर 1 एटम के लिए इतने 1 मॉलिक्यूल चाहिए, तो 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स के लिए 6.022 × 10^23 ही मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, आप बोलोगे क्लियर है ना। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि बेसिक कंसेप्ट, मतलब आप मोल को एटम्स में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 1 मोल, ध्यान से सुनो, 1 मोल एटम के लिए इसके मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 1 मोल मॉलिक्यूल ही चाहिए, और बनेगा कितना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Ab2 बनेगा। अब यहां पे देखो कितने हैं, यहां पे देखो 2 मोल इसके हैं, कि कोई सा भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मोल ऑफ एटम है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 2 मोल ऑफ B2 के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। यहां पे कितने, 3 है सर, ये तो एक्स्ट्रा है, इससे 2 से ज्यादा है सर, है ना। तो कौन सा एक्सेज होगा, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ये हो गया ना,
क्लियर, इससे भी निकाल सकते हो। अगर 3 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल है, 3 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल है, तो इसके इसके एटम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3 मोल ऑफ एटम रिक्वायर्ड होंगे, है ना, है कितने? 2, मतलब कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया ना, मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया? एक मिनट, है ना। अब देखो थर्ड में चलो, 100 एटम्स ऑफ A और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, अगर एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है तो 100 एटम के लिए 100 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा B2, समझ में आया? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? कोई सा ही नहीं हुआ, नो, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं थर्ड में। अरे एक एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो 100 एटम के लिए 100 मॉलिक्यूल चाहिए और 100 मॉलिक्यूल दे रखा है, क्लियर। अब 5 मोल ऑफ वाला देखो, देखो 1 मोल ऑफ एटम कितना रिक्वायर्ड होता है? 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, तो यहां 5 दे रखा है, कोई सा ले लो, एक ले लो, 5 मोल दे रखा है, 5 मोल ऑफ A एटम दे रखा है, तो इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे? 5 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, है ना, और दे कितना रखा है? 2.5, 5 रिक्वायर्ड 2.5, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? बी, क्लियर हुआ? अब इसमें देखो 2.5 मोल, मतलब देखो कोई सा ले लो, 2.5 मोल ऑफ A एटम दे रखा है, तो इसके मॉलिक्यूल कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2.5 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, और दे कितना रखा है? 5 दे रखा है, ये है ना, तो ये एक्सेस में हो गया, तो मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट ए हो गया, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, देखो 1 एटम के लिए 1 एटम 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके AB2 बनाता है, तो अगर एक के साथ एक मॉलिक्यूल, एक एटम के साथ एक मॉलिक्यूल चाहिए तो 300 एटम्स के लिए 300 मॉलिक्यूल चाहिए, यहां पे 200 मॉलिक्यूल है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट B हो गया। 2 मोल, 1 मोल ऑफ A एटम रिक्वायर्ड होता है 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल, तो यहां पे देखो 2 के लिए कितना चाहिए? 2 मोल ऑफ B2, यहां पे 3 दे रखा है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? ए हो गया, समझ में? तो ऐसे ही इनको कर लेना, कोई दिक्कत